हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हंगरी माइंड क्लासेस। आज की वीडियो में हम राज्यों के राज्यपाल का पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला स्टेट देखते हैं। पहला स्टेट है नागालैंड। नागालैंड का राज्यपाल है R.N. रवि। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, नागालैंड से क्या बन जाएगा, नाग। और मेरा कोई दोस्त है रवि, उसके घर में क्या आ गया, नाग। मैं उससे कह रहा हूँ कि रवि भाई तेरे घर में नाग निकल आया। तो नागालैंड के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, R.N. रवि। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के राज्यपाल हैं हमारे गणेशी लाल। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि उड़ना, उड़ीसा से बन जाएगा उड़ना। उड़ना मतलब ऊपर उठना। अगर आप अपने लाइफ में ऊपर उठना चाहते हो तो सबसे पहले किसकी पूजा करो, गणेश भगवान की पूजा करो। अगर आप ऊपर उठना चाहते हो या उड़ना चाहते हो तो सबसे पहले किसकी पूजा करो, गणेश भगवान की पूजा करो। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से कि एक उड़ीसा भी था। और उड़ीसा में नवीन पटनायक 5वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। और उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 146 हैं। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 146 हैं। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है पंजाब। पंजाब के राज्यपाल कौन है, VP सिंह बदनोर। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि आपको पता है कि पंजाब में सारे लोग कैसे हैं, अमीर हैं। अमीर मानने की ज़्यादातर लोग वहाँ पर कनाडा जाते हैं, यानी कि बड़े लोग हैं। पंजाब के लोग कैसे हैं, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं। तो बड़ी इजीली तरीके से ट्रिक से माध्यम से आप याद रख सकते हो कि पंजाब का राज्यपाल कौन है, VP सिंह बदनोर। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान का राज्यपाल कौन है, कल्याण सिंह। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि राजस्थान से क्या बन गया, राजा। राजस्थान से क्या बन गया, राजा। और राजा क्या करता है, अपने राज्य का कल्याण करता है। राजा क्या करता है, अपने राज्य का कल्याण करता है। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट है हमारा सिक्किम। सिक्किम का राज्यपाल कौन है, गंगा प्रसाद। सिक्किम का राज्यपाल है गंगा प्रसाद। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि गंगा में सिक्का डाल, गंगा में सिक्का डाल तुझे प्रसाद मिलेगा। गंगा में सिक्का डाल कर देख तुझे प्रसाद मिलेगा। तो बड़ी इजीली तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है तमिलनाडु। हमारा अगला स्टेट क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि बनवारी तू मिल, तू तू मिल बनवारी, तू मिल मेरे से एक बार, तू मिल बनवारी। तो आप इसको याद रख सकते हो कि तमिलनाडु से, तो तू मिल बनवारी मेरे से। और आप एक चीज़ और याद रखना कि इरोड हल्दी, तमिलनाडु में एक हल्दी खाई जाती है जिसको बोलते हैं इरोड हल्दी, जिसको क्या मिला, GI टैग मिला, जिसको मिला है GI टैग। तो याद रखना कि तमिलनाडु की इरोड हल्दी को GI टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कितने बढ़ते हैं, अगला स्टेट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना को कैसे याद रख सकते हो, तेलंगाना के राज्यपाल है हमारे ESL नरसिम्हन। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि तेरा गाना मन को छू गया, तेरा गाना मन को छू गया। अब एक चीज़ और याद रखना आप तेलंगाना में कि तेलंगाना की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, रायतु बंधु। तेलंगाना की सरकार ने क्या स्कीम स्टार्ट करी है, रायतु बंधु। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो चलिए अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा का राज्यपाल है रमेश व्यास। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि त्रिपुरा से बनेगा तीर्थ यात्रा, त्रिपुरा से बनेगा तीर्थ यात्रा, कि रमेश तीर्थ यात्रा करने गया, कैसे गया, बस से गया, ब्यास से बन जाएगा बस। रमेश तीर्थ यात्रा करने गया, क्या करने गया, तीर्थ यात्रा करने गया, किससे गया, बस से गया। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और ये अभी हाल फिलहाल में चेंज हुई है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश से क्या बनेगा, उत्तर, और आनंदीबेन से आनंद। जब हमारा सही उत्तर निकलता है तो हमें क्या होती है, खुशी होती है, यानी कि हमें आनंद आता है। जब हमारा उत्तर सही निकलता है तो हमें क्या आता है, आनंद आता है, हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है हमें। तो आप इससे याद रख सकते हो इसे। तो चलिए अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्या। अब आप उसको कैसे याद रख सकते हो कि कोई लड़की है बेबी करके आप उसको बुला रहे हो, वो पेड़ पर चढ़ गई, कोई लड़की पेड़ पर चढ़ गई, आप उसे कह रहे हो बेबी नीचे उतरिया, बेबी नीचे उतरिया हो चोट लग जाएगी, बेबी नीचे उतराओ चोट लग जाएगी, बेबी रानी नीचे उतरिया हो चोट लग जाएगी आपके। तो चलिए अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि पश्चिम बंगाल, बंगाल से बन जाएगा बंगला,
कि हम बंगले में क्या करते हैं, दीप जलाते हैं। बंगले में क्या जलते करते हैं, हम दीप जलाते हैं। किसलिए जलाते हैं, ताकि हमारे पास धन आए, हमारे पास धन आए। दिवाली वगैरह पे हम क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं, ताकि हमारे पास धन की वर्षा हो। तो क्या करेंगे, बंगले से बन जाएगा, बंगाल से बन जाएगा बंगला, और दीप जलाने से किस लिए, धनकार, धन के लिए दीप जलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपने यूनियन टेरिटरी स्टार्ट करेंगे। यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले स्टेट हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल डी के जोशी, एडमिरल डी के जोशी। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट हमारा चंडीगढ़। अब आपको पता भी होगा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है। और चंडीगढ़ के और पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो एक ही है, वीपी सिंह बदनोर। अब वही पंजाब की राजधानी है, पंजाब में बड़े लोग रहते हैं, तो चंडीगढ़ में भी बड़े लोग रहते होंगे। तो क्या हो जाएगा, बदनोर से बन जाएगा बड़े लोग चंडीगढ़। अगला स्टेट हमारा दादरा एंड नागर हवेली। दादरा नागर हवेली और हमारा दमन दीव, दोनों के राज्यपाल कौन है, प्रफुल्ल पटेल। दोनों के राज्यपाल कौन है, प्रफुल्ल पटेल। दादरा नागर हवेली और दमन दीव, दादरा नागर हवेली और दमन दीव के दोनों के राज्यपाल कौन है, प्रफुल्ल पटेल। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है दिल्ली। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, अनिल बैजल, अनिल बैजल। अब आपने सुना भी होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल के बीच में बहुत खींचातानी हुई है बीच में, कि पुलिस प्रशासन को लेकर के आप हमें काम नहीं करने दे रहे। तो आप इसको बहुत आराम से याद रख सकते हो कि दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो चलिए अपने अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के राज्यपाल कौन है, फारूक खान। लक्षद्वीप के राज्यपाल कौन है, फारूक खान। चलिए अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है पुडुचेरी। पुडुचेरी को जैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे, पुडुचेरी के राज्यपाल कौन है, किरण बेदी। पुडुचेरी के राज्यपाल कौन है, किरण बेदी। तो ये हमारे राज्यों के राज्यपाल का पार्ट सेकंड था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।